it. ओके ये सही लग रहा है मुझे। अब ये सारे शेप्स को हम एक शीट में कन्वर्ट कर देते शीट 01। ये एक्चुअली टेस्टिंग शीट है, हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। अभी हम ये सिर्फ टेस्टिंग करके इसको हम सेव कर लेते और हम इसको एक्सपोर्ट देंगे। क्विक एक्सपोर्ट इज पीएनजी, तो सीट वन का एक्सपोर्ट दे देते। और वो जो सीट वन हमने एक्सपोर्ट किया है ना उसको हम लेके आते इसके अंदर, और ये इसके सीट को हम लेके आते इसके अंदर। ओके अब ये स्पेसिफिक को स्प्राइट एडिटर एक्चुअली हम ओवरराइड करके इसको इसमें रख लेते और स्प्राइट एडिटर में इसको लूप यहाँ पे दे देते इस जगह पर। ओके ताकि हमारा जो सेक्शन है वो सही से रहे। 0.5 बहुत हो जाएगा, 0.15 लेना पड़ेगा। तो सर्कल को हटा देते, ये हमारा स्पेसिक आ गया। ओके हम मेन लेयर बैकग्राउंड को थोड़ा डार्क कर देते, ब्लैक कर लेते पूरा। अब हम प्ले करके देखते क्या सिस्टम है। तो वन सेकेंड, हमको थोड़ा ग्राफिक्स काम करते स्पेस का कोई अभी टेम्पररी वो ले लेते, स्पेस पीजी पोर्ट्रेट कोई सीन के लिए और गेम इस तरीके का कुछ ले लेते। ओके कॉपी में टेम्पररी ले रही है, हम एक्चुअली सेव ही कर लेते। सेव एज कॉपी पेस्ट ग्राफिक्स सेव। अबे यार ये तो वो आ गया, सेव इमेज करना है हमको, सेव इमेजेस और सेव। ओके अब इसको हम ले लेते इसके अंदर, उसको हम कर देंगे ओके और ले लेंगे हम इधर साइज कर देंगे थोड़ी की। ओके और हम इसको सिंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल टाइल्ड। ओके तो इससे क्या होगा जब हम खींचेंगे तो वो पूरा आ ही जाएगा। थोड़ा सा कुछ दिखेगा वैसे तो काफी अच्छा दिख रहा है, मगर हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा फोटोशॉप में। इसके नीचे एक ये ब्लैक वाला सेक्शन नहीं चलेगा यार, ब्लैक में कुछ करना पड़ेगा। पीएनजी वन सेकेंड, इसको एक्सपोर्ट करना है ना हमको, एक्सपोर्ट एस पी एन जी सीट वन। और सीट वन को लेके आते फिर से, एक्चुअली स्प्राइट टू डी स्प्राइट एडिटर, उसको
इसको दे देना है यहाँ पर, कर देंगे अप्लाई, इसको यहाँ से कर देंगे क्लोज। ये जो सीप है ना, सीप को सीप वन में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके अलग लग रहा है कुछ, वाओ काफी रियलिस्टिक और काफी अच्छा दिख रहा है। मतलब मैं सीप्स अगर हम और भी ढंग से बनाएंगे ना तो काफी मस्त दिखेगा। अगर हम वही सीप को डायरेक्ट बैठे बैठे ले लेते तो बात ही कुछ और थी। लेते ओवरराइड कर दिया, अप्लाई और स्लाइड एडिटर में इसको यहाँ पर ले लेते। ओके अप्लाई, तो यही सीप को हम अंदर ले लेते। साइज क्या है, 0.15। हो गया, मतलब मैं वही इसके ऊपर ग्लो वगैरह देंगे तो सेम हो जाएगा। ये देखो दिखने में कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है। हम फायरिंग स्क्रिप्ट ले लेते, चलो एक फायरिंग 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 फायरिंग। हमको पहले बुलेट प्रीफेब बनाना पड़ेगा। बुलेट प्रीफेब के लिए हमको सबसे पहले बुलेट एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, रिसेट करना पड़ेगा, प्लेयर को बंद करना पड़ेगा, बुलेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, बुलेट की साइज हमको 1 पे रखनी पड़ेगी, सॉरी ऑर्डर इन लेयर, बुलेट को हम 0.05 पे रखेंगे। एक्चुअली हमारा प्लेयर की साइज कितनी है तो उस हिसाब से बुलेट को रखना है हमको, इतनी बड़ी बुलेट नहीं चलेगी। हम इसको 0.02 पे रखेंगे, इस तरह से बुलेट रखेंगे बराबर। इसको हम 0 पे ले लेते। अब एक काम करते, प्लेयर की बुलेट स्पाउनिंग पोजीशन दे देंगे, इधर हम दे देंगे सिप्स, सिप्स में हम ये तीनों दिन को डाल देते इसके अंदर। इस तरह से हम सिप को मैनेज करेंगे, इधर से हम पोजिशन ले लेंगे। पोजीशंस में हम फायर पोजीशन ले लेंगे कि फर्स्ट सीप वन फायर पोजीशन, हर सीप की अलग अलग पोजीशन होगी तो हम सीप वन की पोजीशंस अलग ले लेंगे, पोज 01। हम उसको पोजीशंस को हम रेडी में टैग दे देंगे, जिसमें उसको थोड़ा छोटा कर देते आइकॉन को। ओके पोजीशन वन हमारी रहेगी यहाँ पर, पोजीशन टू रहेगी यहाँ पर, यहाँ से हमारी बुलेट्स निकलेगी पोजीशन टू। हमारा जो प्लेयर है वो प्लेयर की सीट पर है, प्लेयर का ऑर्डरिंग लेयर है, हम प्लेयर्स के ऑर्डरिंग लेयर 10 रख देते, दोनों को 10 पे रख लेते और इसको 11 पे रख लेते। अभी ग्लो ऐड नहीं किया हुआ इसके लिए। ओके तो अभी हम इस तरह से काम कर ले। अभी हमारी ये बुलेट आ गई है, बुलेट की साइज है, बुलेट इधर से निकलेगी। ओके अभी हम ये बुलेट को प्रीफेब में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर बाद में बुलेट में ट्रेल वगैरह डालेंगे। तो इसको प्रीफेब में कन्वर्ट कर लेते बुलेट। अब हम क्या चाहते हैं कि बुलेट स्पाउन हो, तो बुलेट स्पाउनर की एक स्क्रिप्ट अलग से क्रिएट कर लेते ताकि हम उसको मैनेज कर सके। इसको शूटर स्किप भी कह सकते हैं, मगर फिर सामने से भी एनिमी भी शूट करेंगे ना, तो देखते चलो क्या होता है। पहले से हमको स्पाउन करवाना है सिंपली।
ओपन हो जाओ भाई। तो सबसे पहले हमको बुलेट ऑब्जेक्ट चाहिएगा, तो हम पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट बुलेट ट्रेन ले लेंगे, और फिर बाद में हमको पोजीशन चाहिए, तो पब्लिक ट्रांसफॉर्म पोज वन। अभी हम टेम्पररी दे रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास एक ही सीप है, तो हम अभी हम दे रहे हैं, बाद में फिर हम लोग एरे दे देंगे। ओके पोज वन एंड पोज टू। अब हमें चाहिए टाइम कि कितने टाइम में बुलेट शूट हो, तो पब्लिक फ्लोट टाइम टू स्टार्ट। ओके और पब्लिक फ्लोट ले लेंगे टाइम बिटवीन वेव्स, जब स्टार्ट हो तो स्टार्ट में कितना टाइम लेना चाहिए, और फिर वो जो बुलेट के बीच में जो गैप है स्पाउनिंग का वो कितना करना है। अभी हम स्पाउन और डिस्ट्रॉय करवाएंगे, इसके बाद में जब हमारा पूरा मैकेनिज्म सेट हो जाएगा फिर बाद में हम ऑब्जेक्ट पुलिंग का यूज करेंगे ताकि गेम पे लोड ना हो, तो ऑब्जेक्ट पुलिंग का यूज करेंगे। अभी हम स्पाउन कर रहे हैं, सिंपली इंस्टेंशिएट करवा लेंगे, बाद में हम ऑब्जेक्ट पुलिंग का यूज करेंगे कि बस जो बुलेट्स ऑलरेडी एक बार स्टार्टिंग में लोड हो जाएगी फिर बाद में हम वही बुलेट्स को ऑन ऑफ करते रहेंगे। ओके तो अभी हम स्पाउन करवा रहे, तो अभी हमको क्या करना है कि इफ टाइम टू स्टार्ट लेस देन इक्वल टू जीरो, जो टाइम टू स्टार्ट लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाता है तो टाइम टू स्टार्ट को प्लस इक्वल टू कर देगा टाइम बिटवीन वेव्स के, कितने वेव्स में वो करना चाहिए, और इधर कर देगा स्पाउन बुलेट, बुलेट को स्पाउन करेगा। ये फंक्शन हम बना रहे, तो इस फंक्शन को कॉपी कर लेते नाम, हम इधर न्यू फंक्शन बना रहे थे पब्लिक वर्ड स्पाउन बुलेट। अब इधर हम क्या करेंगे, इंस्टेंशिएट करेंगे, अब हमें दो बुलेट इंस्टेंशिएट करनी है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, तो हम क्या करेंगे एक्चुअली बुलेट दे दिए पहले बुलेट दे देते, तो बुलेट प्रीफेब अब कहाँ पे पहले पोज वन डॉट पोजिशन पे ले लेते, फिर पोज टू पे ले लेंगे, और क्वांटेरियन डॉट आइडेंटिटी आइडेंटिटी दे देंगे आइडेंटिटी। ओके और सेम चीज हम इंस्टेंशिएट पोज टू में दे देंगे। ओके गेम एक्चुअली हमने उसमें रिजिड बॉडी नहीं दिए नहीं, तो एक काम करते गेम ऑब्जेक्ट जी दे देते इक्वल टू ये, और गेम ऑब्जेक्ट जी वन इक्वल टू दिस पोजिशन टू वाली बराबर। अब जी डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट गेट कंपोनेंट रिजिड बॉडी टू डी डॉट एड फोर्स वेक्टर थ्री वेक्टर टू डॉट अप इनटू 50। ओके 50 के फोर्स में वो गेम ऑब्जेक्ट को वो करेगा। ओके सिंपल, अभी हम इतना फोर्स ले देते। अभी क्या करना है, बुलेट में रिजिड बॉडी अप्लाई करनी है क्योंकि हमने रिजिड बॉडी अप्लाई नहीं की है बुलेट के अंदर। तो बुलेट में जाएंगे, सिंपली हम इसके अंदर एक रिजिड बॉडी अप्लाई कर देंगे, रिजिड बॉडी टू डी एक सर्कल कोलाइडर अप्लाई कर देंगे, सर्कल कोलाइडर की एज रेडियस डाउन तो पाई वेट में हम उसको थोड़ा ऊपर कर देंगे। नाइन फाइव फोर फाइव 45 रेडियस में भी 45 कर देते फाइव। ओके ये हमारा हो गया बुलेट, बुलेट यहाँ पर है मेन पोजीशन उसकी। ओके तो अब क्या करना है इसीलिए बुलेट टेप को, अरे ओके बुलेट स्पाउनर को स्क्रिप्ट को यहाँ पे असाइन कर देगी, ये बुलेट प्रीफेब है हमारी, ये पोजीशन वन है पोजीशन टू है, स्टार्ट होगा 2 सेकेंड में और 1.5 सेकेंड का
गैप होगा, एक्चुअली हम 1 सेकेंड का गैप रखते साउंडिंग में। ओके, और 1 मिनट रिजिट बॉडी हटा देनी पड़ेगी ना। 1 सेकेंड 1 सेकेंड, एक गलती कर दी। बुलेट प्रीफेब में से हमको रिजिट बॉडी ऑफ कर देनी है, ग्रेविटी स्केल जो है वो 0 कर देना है, बाकी सब तो चलेगा। चलो अब ये बुलेट्स काउंट होती जाएगी, 1 2 एंड काउंट। चलो भाई साउंड हो जा, साउंड हो रही है कि नहीं हो रही? 1 सेकेंड, क्या लो से पड़े भाई अब। ओके, शायद ये इसका ऑर्डरिंग लेयर का कोई नुकसान ना हो, ऑर्डरिंग लेयर 1 पे अपन दिखने तो चाहिए ना। चलो चलो देखते तो है। पहले स्पाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना। टाइम टू स्टार्ट, टाइम बिटवीन वेव्स, टाइम। ओके, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी, मिस्टेक नहीं, हमने एक माइनस इक्वल टू टाइम डॉट डेल्टा टाइम करना भूल गया, क्योंकि टाइम को माइनस ही नहीं कर रहे तो टाइम की वैल्यू दो दो ही दे रही है, बाकी तो सब सही है यार। मैं गलती करता ही नहीं हूँ वैसे, तो गलती हो जाती है वैसे भी, कौन गलती करता है, हो ही जाती है गलती यार मैं भी। चलो देखते हैं, अगर अभी अभी दिखता नहीं है तो बैकग्राउंड को हम थोड़ा माइनस में डाल देंगे ऑर्डर इन लेयर में, और वैसे भी उसको डालना ही पड़ेगा बैकग्राउंड में। ओके, ये टाइम टू स्टार्ट माइनस होने लगा। ओके, ये शूट करने लगे, अब हम इसको सिर्फ इसका फोर्स बढ़ा देना है, इसका फोर्स बढ़ा देंगे तो कुछ अजीब ही मतलब में दिखेगा, जो 50 है ना उसको 200 दे देते, 200 फोर्स दे देते। ओके, अब 200 फोर्स देने के बाद में हम एक काम करते, ऊपर एक कोलाइडर दे देते, क्रिएट एम्प्टी डिस्ट्रॉय कोलाइडर, उसको हम सेंटर में ले लेते, बॉक्स कोलाइडर दे देते। ओके, उसकी विड्थ बढ़ा देते, कभी यूपीएम भी चली जाए गोली तो भी, और यहाँ पे दे देते, और इसको हम यहाँ से एक टैग दे देते डिस्ट्रॉयर। और अब बुलेट को हम क्या करते, बुलेट को डिस्ट्रॉयर में दे देते, डिस्ट्रॉयर स्क्रिप्ट बना लेते, क्रिएट सब स्क्रिप्ट डिस्ट्रॉयर स्क्रिप्ट, और हम बुलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये अभी सब टेम्पररी है क्योंकि हम वैसे भी ऑब्जेक्ट कूलिंग का यूज़ कर रहे, तो डिस्ट्रॉय भी नहीं होने वाली और इंस्टेंस सेव भी नहीं। फर्स्ट में जो हम डिफॉल्ट करके रखेंगे वही होगा, तो हम इधर अभी टेम्पररी खेल खेल रहे। ऑन कलिजन एंटर लेना है, ऑन कलिजन एंटर टू बी डिस्ट्रॉय कलिजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट। ओके, जो भी गेम ऑब्जेक्ट इससे कोलाइड होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सिंपल। डिस्ट्रॉय कोलाइडर को हम थोड़ा ऊपर ले लेते और इसके अंदर डिस्ट्रॉयर दे देते, सिंपल। चलो हो गया, रिजिड बॉडी हमने बुलेट में डाली हुई है तो वो डिस्ट्रॉय कर ही देगा वैसे भी। भाई क्यों भाई डिस्ट्रॉय नहीं करा? रहा
बॉडी टू दी कांट डिस्कवर एग्जिस्टिंग बॉस। अबे यार बॉक्स कोलाइडर 2D लेना है यार हमको, क्यों ऐसा करता है तू? वो 3D में बहुत काम करा ना, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है यार। चलो बॉक्स कोलाइडर 2D ले लिया, चलो स्पाउनिंग स्टार्ट करो। ओके ये स्टार्ट कर दिया इसने। इसको हम 500 पे कर देते, 500 पे करके स्पाउनिंग स्पीड का जो गैप है 1 सेकेंड का वो घटा के हम 0.5 सेकेंड पे लाके रख देते हैं। ओके ये बुलेट छूटने लगी।